प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और बात करूंगी कठुआ कांड को लेकर। कठुआ कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में बड़ी खबर आज अखबारों के फ्रंट पेज पर पब्लिश हुई है, क्योंकि अध्यादेश को मंजूरी दी थी और अध्यादेश में ये कहा गया था, जो मंजूरी दी गई, कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो अपराधी को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, कुछ तब्दीली की गई है। आखिर क्या है इसके लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा अभी अखबार की तरफ रुख कराना चाहूँगी कि आप अखबार देख सकते हैं इस वक्त और इस पर आप देखें, बच्चियों से रेप पर अब फांसी, लेकिन बच्चों से ऐसे अपराध पर नहीं। एनबीटी के फ्रंट पेज पर आप ये खबर देख सकते हैं। कठुआ कांड देश का बहुत चर्चित कांड बन चुका है, इसके साथ ही विश्व का भी सबसे चर्चित ही कांड कहेंगे, क्योंकि यूएन ने जिस तरह से इस कांड की निंदा की है उसमें उससे ही झलक रहा है, उससे साफ हो रहा है कि आखिर इस कांड ने कितना लोगों को दहला कर रख दिया है। मैं आपको इस खबर में बताऊंगी क्या इस खबर में है, क्या बदल चुका है कानून, आईपीसी में बदलाव किए गए हैं, बच्चियों से रेप पर अब फांसी लेकिन बच्चों से ऐसे अपराध पर नहीं। और ऐसे में ये है कि रेप में दोषी के लिए न्यूनतम 7 साल से लेकर उम्र कैद तक के प्रावधान को बदलकर न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्र कैद किया गया है, और 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप में दोषी को कम से कम उम्र कैद और अधिकतम सजा फांसी होगी। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में दोषी को न्यूनतम 20 साल कैद से लेकर मरते दम तक जेल या फिर फांसी का प्रावधान होगा। 16 साल से कम उम्र की किशोरी से रेप में दोषी को कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक ताउम्र कैद का प्रावधान हुआ है। अगर 16 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप होता है तो दोषी को जीवन भर कैद में रहना होगा और पुनर्वास जुर्माने की रकम भी पीड़ित को। और इसमें बदलाव करके सीआरपीसी में हुए हैं ये बदलाव, इसमें बदलाव करके रेप केस का ट्रायल 2 महीने में पूरा करने को जरूरी बनाया गया है, और 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आरोपी की अग्रिम जमानत का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है, और आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष या उसके पैरोकार की मौजूदगी को सुनिश्चित किया गया है। और बच्चों से यौन अपराध के खिलाफ पहले से है पॉक्सो, साल 2012 में पॉक्सो कानून आया था, लेकिन इसमें अभी इसमें तब्दीली की जरूरत महसूस की गई कठुआ कांड के बाद, और अब इसमें कहीं ना कहीं जो तब्दीली की गई है, अब देखना होगा कि ये कानून कितना असरदायक साबित होता है, कितना असर इसका होता है। चलिए, ये बात हो गई कठुआ कांड को लेकर, जो अभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कानून मंत्री अब्दुल हक खान की। अब्दुल हक खान ने कठुआ कांड को लेकर मीडिया से बाकायदा बातचीत की है और कई सवालों के मीडिया के जो सवाल थे उनके जवाब दिए हैं। इसमें सबसे पहले जब उनसे सवाल पूछा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उनसे ये पूछा गया था कि आगे क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या आगे इस केस को क्या यूटर्न मिल सकता है, और आरोपियों के खिलाफ सरकार क्या सोच रही है और क्या कानून है। तो ऐसे में देखिए कानून मंत्री अब्दुल हक खान ने क्या कहा है इस मामले पर, सुनिए जरा। ठीक है, हमारी भी माँ बहन है, हम भी एक इंसान है, एज ए ह्यूमन आप इस चीज़ को किस तरह? देखिए, मैं आपको यकीन दिला दूँ कि जहाँ तक कठुआ का वाक़ा है, बहुत अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और जो लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर सही तरीके से तफ्तीश हो के चालान पेश हो गया है अदालत में, और इस केस की न सिर्फ सुनवाई इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज हैं कठुआ के उनके पास है, बल्कि इस वक्त इस केस को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। और आप जानते हैं कि मुल्क में इसके ख़िलाफ़ सारे मुल्क में आवाज़ उठी, और जितना मीडिया है, नेशनल मीडिया या रियासत का जो मीडिया है, सब ने इसमें सपोर्ट किया। तो मुझे यकीन है कि ये केस जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें, चूंकि सब जूडिस है, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, वो भी अपना फ़ैसला दे देंगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो जुर्म है इसका जो ट्रायल होगा बहुत जल्द होगा, और ट्रायल भी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी इसकी, तो उसके बाद जो मुलजिम इसमें मुजरिम पाए जाएंगे उन्हें करार वाक्य सजा दी जाएगी। तो सुना आपने कि अब्दुल हक खान का कहना है साफ साफ कि प्रोफेशनल तरीके से इस केस की जांच की गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जब अब्दुल हक खान यानी कानून मंत्री से ये पूछा गया कि मोदी सरकार अध्यादेश लाने वाली है, हालांकि अब अध्यादेश सामने आ चुका है, पारित हो चुका है, लेकिन अध्यादेश लाने वाली है तो क्या कहना है आपका, तो उस पर सुनिए क्या कहा है अब्दुल हक खान ने, सुनिए। आज सरकार ने जो मरकजी सरकार ने फैसला दिया, इससे काफ़ी बातें की, जब से हिमा मालिनी वो भी एक एमपी, उन्होंने ये डिमांड की थी कि 12 साल से कम उम्र में अगर किसी बच्ची के साथ खुदा न खास्ते वाका पेश आता है, जो मुलव्वस मुल्जमान होंगे उनको सीधी फांसी दी जाए, ये आज अप्रूव भी हुआ है, आप इस कदम को किस तरह? देखिए, ये सही कदम है, चूँकि मुल्क में भी आवाज़ उठी है बड़ी लेवल पर, हर लेवल पर आवाज़ उठी है कि जो इस टाइप के मुजरिम हैं, जो इस इन जरा जराय में
मुलजिम करार पाए, मुजरिम करार पाए जाएंगे, उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। तो एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है और इस पे रियासती सरकार भी इस पे देख रही है, गौर कर रही है। तो सुना आपने किस तरह के अब्दुल हक खान का साफ साफ कहना है कि सरकार ने जो कवायद की है उसका हम जोरदार स्वागत करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसे जो अपराध हो रहे हैं उस पर नकेल जरूर कसेगी। इसके अलावा उनसे जब सवाल पूछा गया दो मंत्री को लेकर, बीजेपी के जो दो मंत्री हैं लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, इनका नाम सामने आया था और इन पे ये आरोप लगा था कि इन्होंने जो कठुआ कांड के आरोपी हैं उनके समर्थन में रैली की थी, हिंदू एकता मंच से इन्होंने संबोधित किया था और लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने अब इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया है। और ऐसे में अभी हाल ही में लाल सिंह ने मीडिया से बात की थी तो उसमें उनसे पूछा भी गया कि क्या आपके इस्तीफे की वजह से आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा, तो कहते कि मैं मर्द हूँ, मैं इंसान हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि मैं वहाँ पर पार्टी नेताओं के कहने पर गया था, मैं अपनी मर्जी से गया ही नहीं था। ये लाल सिंह ने खुद बकायदा मीडिया को ये बात बताई है। लेकिन इसमें लाल सिंह ने बात ये बोली थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन्होंने जोर शोर से ये बात उठाई मीडिया के सामने कि कठुआ कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम खुद चाहते हैं कि परी को इंसाफ मिले, लेकिन जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा और सच्चाई खुलकर सामने नहीं आएगी। क्योंकि सीबीआई, वो सीबीआई के पक्ष में बोल रहे थे कि सीबीआई जो है वो कभी भी गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और ऐसे में सीबीआई पे विश्वास होना चाहिए, इस केस की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती सरकार यानी कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एसआईटी और क्राइम ब्रांच को इस केस की जांच दी थी और ऐसे में आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें सांजीराम मुख्य आरोपी है, इसके अलावा और भी लगभग 6 से 7 आरोपी हैं जिसमें दीपक खजूरिया और आनंद दत्ता, इसके अलावा विशाल जंगोटा का नाम भी सामने आया है। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं अब्दुल हक खान से, जब भी पूछा गया कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इस तरह का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तसल्ली बख्श इसमें जांच पड़ताल हुई है, फिर वो दो मिनिस्टर्स क्यों डिमांड कर रहे थे कि सीबीआई प्रोब इसकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारी यहाँ पर क्रिमिनल जो टीम है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उनको शायद भरोसा नहीं था, अभी भी वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, कहें कि बदकिस्मती से इसको केस में सियासत हो रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस केस में दयानदारी से हुई है, इसमें प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने नाम कमाया है अपना दयानदारी में और ईमानदारी में, इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। सुना आपने कानून मंत्री का साफ साफ कहना है कि इस मसले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इंसानियत का मसला है और इसको मजहब और सियासी रंग में नहीं रंगना चाहिए। इसके अलावा जब अब्दुल हक खान से पूछा गया कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, इस केस पर उनकी वो जो कर रही हैं उससे आप कहाँ तक सरोकार रखते हैं, कहाँ तक वाकिफ है उनकी कार्यशैली पर, आपका क्या कहना है, तो सुनिए क्या कहा कानून मंत्री ने। सीएम ने यहाँ पे कहा था कि इस तरह के केसेस को निपटने के लिए वो खसूसी जो सेशन बुला के एक लेजिस्लेशन लाएगी, तो कैसे आप देख रहे हैं कि रियासत में इस तरह के कौन से कानून होंगे और किस क्या सूरत उनकी होगी? देखिए, हम इसको लॉ डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन कर रहा है, जो चीफ मिनिस्टर की जो कोई बात होगी उसको हम सीरियस ले रहे हैं डेफिनेटली। तो सुना आपने अब्दुल हक खान ने किस तरीके से मीडिया के सारे सवालों के जवाब दिए हैं। निस्संदेह कोई इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो मुफ्ती सरकार है वो इस केस को बहुत ही संजीदा तरीके से ले रही है, बहुत ही संवेदनशील ये केस है और ऐसे में इसमें जो मजहबी रंग और सियासत करना कहीं ना कहीं किसी को भी रास नहीं आ रहा है। लाल सिंह का जिक्र करूंगी, लाल सिंह ने अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती पर सारा भांडा फोड़ा था और सारा ठीकरा फोड़ा था कि महबूबा मुफ्ती की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर वो कर क्या रही हैं, और उन्होंने साथ ही एक रैली में संबोधित भी किया था कि ईद का जवाब पत्थर से देंगे। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से वहाँ पर पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी है और 9 मंत्रियों का इस्तीफा ताबड़तोड़ हुआ था, उसके बाद भी गठबंधन पर फिलहाल असर नहीं पड़ा है। लेकिन एक आर्टिकल सामने आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ, एक जानी मानी वेबसाइट है बीबीसी, उस पर एक आर्टिकल सामने आया था, उसमें एक ये बात कही गई थी कि महबूबा ये जो केस आया था ये 10 जनवरी का केस है, लेकिन अभी ये मीडिया में चर्चाओं में आ रहा है। उस केस जब ये परिकांड सामने आया उसके बाद महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी और बाकायदा उन्होंने मुलाकात की थी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, और राजनाथ सिंह से जब मुलाकात की तो ऐसे में ये कयास ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि उन्होंने जो है लाल सिंह और जो एक और मंत्री हैं चंद्र प्रकाश, उनकी शिकायत की थी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से और ऐसे भी कहा गया था कि एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो हालांकि ये मीडिया में खुलकर बातें सामने नहीं आई क्योंकि अंदरूनी खेमे की बात थी और उसके बाद शायद कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और लेकिन जब ये हल्ला तब हुआ जब ये राष्ट्रीय मीडिया का विषय बन गया कठुआ कांड, और यहाँ पर जब लाल सिंह और बीजेपी के एक और मंत्री हैं जो चंद्र प्रकाश उनका नाम सामने आ गया, तो ऐसे में ये सियासी रंग में रंग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासी इस पर इसलिए ये मीडिया में चर्चाओं का विषय आ गया क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ पर अलायंस में है
पीडीपी के साथ, और ऐसे में दो मंत्री, वो भी एक महिला सुरक्षा को लेकर दो मंत्री जो हैं वो आरोपियों के साथ दे रहे हैं। ये पूरा खाका बना था इस केस को लेकर, और तभी ये राष्ट्रीय मीडिया का सबसे ज़्यादा विषय, चर्चाओं का विषय बना। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये मीडिया में जब इसको लेकर काफ़ी आलोचना की जाने लगी बीजेपी की, उनके मंत्रियों की, तो ऐसे में जब पूरी तरह से कवरेज की जाने लगी ए टू जेड, तब जाकर यहाँ पर इस्तीफे हुए, और इस्तीफे के बाद इस केस ने तूल पकड़ लिया। आप खुद सोचिए कि 10 जनवरी का केस है और 12 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, 17 जनवरी को परी की लाश मिलती है जंगल में। उसके बाद आप खुद सोचिए, अप्रैल चल रहा है, अब बीच में कहाँ था मीडिया, बीच में क्यों नहीं हो हल्ला हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रीय मीडिया का विषय तब बना जब बीजेपी के दो मंत्रियों का नाम सामने आ गया। और जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत ही संवेदनशील इलाका है हमारे मुल्क के लिए भी, और वैश्विक स्तर पर भी देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील एक राज्य है, और ऐसे में वहाँ पर कठुआ कांड में जिस तरीके से कठुआ कांड सामने आया, मजहबी रंग दिया गया, वहाँ पर दो संप्रदायों की बात कही जा रही है, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो एंगल्स में निकल कर आया है, और जो देवस्थान की इसमें बात की गई वो ज़्यादा इस केस को ज़्यादा चर्चाओं में लेकर आई, क्योंकि मंदिर शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि मंदिर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो संप्रदाय की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर मंदिर का जिक्र किया गया, मैं यहाँ पर कोई धार्मिक टिप्पणी या किसी धर्म विशेष को की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चर्चाओं में का विषय इसीलिए बना था, मैं उसके पीछे की डेप्थ बता रही हूँ, गहराई बता रही हूँ कि आखिर ये चर्चाओं का विषय बना क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडिया को भी चाहिए होता है कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल, क्योंकि मीडिया ने भी यहाँ देखा कि यहाँ पे एक धर्म को लेकर जोड़ा जा रहा है, संप्रदाय को लेकर जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पर बात इंसानियत की हो रही है। और यहाँ पर जिस तरह से मोदी सरकार को घेरा गया, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत जोरों शोरों से मोदी सरकार ने दम भरा था साल 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में मोदी सरकार को घेरना बनता भी है, और ऐसे में अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। आप सारी कड़ी को अगर कनेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो आपको सीधा सीधा इसमें असर नज़र आएगा, कुछ चुनावी रंग नज़र आएगा इसमें कहीं ना कहीं। कठुआ कांड एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है, ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन शायद हमारे जो सियासतदार हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर रोटियाँ सेकनी होती हैं। आप बकायदा कई पत्रकारों के डिबेट सुन सकते हैं, तो किस तरह से आवाज़ उठाई गई कि इस मसले को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के चश्मे से देखा जाए, ना कि सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, एक परी का नहीं है, एक किसी धर्म विशेष का नहीं है, मसला इंसानियत का है, वो बच्ची किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ऐसे में हमें ये सोचना है कि ऐसा कांड दोबारा सामने ना आए, और शायद इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए अब मोदी सरकार ने अध्यादेश ला दिया है, और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी, उसके बाद अब बड़े अमेंडमेंट बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन देखना होगा ये कानून कितना असरदायक साबित होता है। तो आज के प्रोग्राम में था बस इतना ही, एक बार फिर से मैं कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आऊंगी, बने रहिए आप SPN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।